दिल्ली पुलिस की सेवा करने के बाद और इंडिया के लिए रेसलिंग लड़ने के बाद संग्राम सिंह पहुंच गए हैं इंस्पेक्टर बनकर शपथ में, शपथ लेकर कि देश की रक्षा करेंगे। एक्चुअली जो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जी, जो एंट्री कर रहा है शपथ में, और मैं एज ए संग्राम सिंह एंट्री कर रहा हूँ। जैसे संग्राम सिंह दिल्ली पुलिस में रहा है, जैसे रेसलिंग कर रहा हूँ, तो वैसे यहाँ पर हूँ। बीपी जी ने मुझे, ये बीपी सिंह जी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि संग्राम में कि वाकई अच्छा है, मैं पहले मिला था उनसे कभी, कि काफ़ी एक्शन है ढेर सारा, बाकी कुछ बंदे हैं जो स्टंट से कर रहे हैं, आप एक्शन कर सकते हो, आपको एक्शन करना चाहिए, और एक चैलेंजिंग रोल है जो क्राइम के अगेंस्ट लड़ता है। तो फिर ऊपर अजीत जी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, अजीत ठाकुर जी। फिर सलमान भाई ने बोला था मुझे, सलमान जी ने कहा संग्राम आपको पहले वो करना चाहिए जो एक कैरेक्टर ऐसा हो जो पॉजिटिव हो और जो आपके ऊपर जाए। तो वो इतने साल से यहाँ पर हैं, तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, क्योंकि उनको काफ़ी अनुभव है। तो मुझे जैसे ये मौका मिला, ये कैरेक्टर मिला, तो मैं स्पेशल एंट्री करने जा रहा हूँ। और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में रहा हूँ तो इसलिए ये पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, और वैसा लग रहा है कि फिर से मैं डेली पुलिस में भर्ती हो गया हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कभी इधर से ऊपर से, कभी नीचे से, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने देखा वही आपको रस्सी में बांधकर पीछे वो आप लटके हुए थे। अभी तो कुछ नहीं, मॉर्निंग में जैसे मेरे पूरे, आप शू देखना, मेरे पूरे शू, एक गाड़ी को रोकना था, मेरे पूरे शू हो गए हैं, मतलब रबड़ निकल आया, गाड़ी को रोकना था ऐसे कम से कम हाफ किलोमीटर तक, ऐसे ही हो गया। ये बोले कि आप जो स्टंट फाइटर है वो कर देगा, मैंने कहा नहीं मैं खुद करूँगा, क्योंकि मुझे खुद करने में मज़ा आता है। क्योंकि रियल लाइफ में फ़ाइट करते हैं तो यहाँ भी फिर रियल लाइफ में फ़ाइट करना चाहिए, अच्छा आएगा। तो वाकई अपने आप में एक अलग अनुभव है। ये फिट एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के आप ये इंस्पेक्टर बने, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा सलमान भाई की तरह दबंग वबंग में जैसा वो शर्ट उतारते हैं बॉडी दिखाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली इन्होंने एंट्री वही करवाई है कि जैसे सलमान भाई की दबंग में थी वैसी एंट्री करवाई इन्होंने, और कल ही मेरी शर्ट वर्ट फाड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो मेरी एंट्री होती है ऐसे ही, जो इसमें जो नेगेटिव कर रहा है उसके साथ, और पूरी फाइट दिखाई है। जब आप देखोगे तो मज़ा आएगा, एपिसोड जब ऑनियर होगा तो पूरी शर्ट फाड़ के फाइट करके वही एंट्री। अच्छा, शो देखते होंगे आप, जाहिर सी बात है जब आप शपथ कर रहे हैं तो उसमें जो विलेन होते हैं वो बड़े दूसरे ग्रह से भी आते रहते हैं, बड़े अजीब टाइप के विलेन होते हैं, इस तरह के विलेन से अब पाला पड़ने वाला है आपका, सोचा है कि इस तरह के विलेन रहेंगे, किस तरह से लड़ेंगे इनसे? एक्चुअली इसमें भी किसी तरह का विलेन है जिसके हाथ में इतनी पावर है, पावर छोड़ता स्टार्टिंग में हंसता था यार, पता नहीं किस किस तरह के विलेन हैं। और अब देखा जितने टफ विलेन हैं उतने टफ एक्शन करने पड़ते हैं, बाकी ये सब हैं कुछ फाइटरों को यूज़ कर लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं, मगर मैं खुद ही करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये सब कह रहे थे नहीं यार अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा जब ये भी तो किसी की, इनकी भी ज़िंदगी है, इनकी भी जान है, ये रिस्क ले रहे हैं तो हम क्यों ले सकते हैं, हम तो इतने फिट हैं, वर्कआउट करते हैं, रेस्लिंग करते हैं, तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। रियल फाइट कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो उनके जो आर्टिस्ट होते हैं, जो विलेन जो बनते हैं, उन पर कभी कोई हाथ छूट तो नहीं है, गलती से किसी को लग वग जाए तो फिर मतलब एक रेसलर का हाथ है? एक्चुअली कल क्या हुआ कि वो मुझे बता रहे थे, मैं रोक रहा था तो ऐसे कर रहे थे कि यहाँ पे लग गया, तो फिर वो दोबारा मुझे फाइट सिखाने नहीं आया कि ये करना है, और जो विलेन बना हुआ था वो कूद रहा था तो उसको किक करना था, वो डर रहा था, मैंने किक रोक लिया, डर के ऊपर आ गया तो वो दूर जा गिरा, तो मुझे फिर लगा, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूँगा, तुम इसको काट लेना, शॉर्ट कर लेना, तो ऐसा हो रहा है, मैं बस हाथ रोक रहा हूँ काफ़ी मगर मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि उनके ऊपर हाथ ना जाए और सब कुछ ना हो, मगर हाथ भी ऐसे यार। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा यार, सबसे यही दुआ करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि ये शपथ जरूर देखिए, अप्रैल से स्टार्ट होगा इसमें मेरा कैरेक्टर, तो आप देखिए आपको ढेर सारा मज़ा आने वाला है, और जो जो कुछ करूँगा आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया यार, आगे भी देते रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैमरा सिद्धार्थ के साथ आदित्य शर्मा, मुंबई।